और आज आपके साथ हर स्तर पर विश्वासघात हो रहा है, हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। मैंने कहा किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। तीन काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं। हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी, जब चुनाव आया तब हिले। तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये तीन काले कानून हम वापस ले लेते हैं। तो किसानों के साथ इन्होंने सरासर अन्याय किया। एमएसपी की बात करते हैं और फिर उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहां पे उगाते ही नहीं है। कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिनपे 24 फसल है जिनपे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं है यहां हरियाणा में। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। आपने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। रोजगार बनाएंगे कहां जब इन्होंने सब अडानी और अंबानी को दे दिया है? सारी चीजें जो है, सारी जमीन, सारे उद्योग, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। तो रोजगार बनेंगे कहां से? जो आपके छोटे मोटे बिजनेस होते थे, जहां से रोजगार बनते थे, जो खेती किसानी थी, वहां से आज रोजगार नहीं बन सकते हैं। तो ये रोजगार देने का काम कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी नीतियां ही इसके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हैं। इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीमें निकालते हैं जिससे आप अपने बच्चों को, जब नौजवानों को आप सरहद पे भेजते हैं देश के लिए शहीद होने के लिए, और उनको बताया जाता है कि अगर तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा। बताया जाता है कि जाओ 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो जाओ और 4 साल बाद वापस आ जाओ, फिर से बेरोजगार बनो और फिर से नौकरी ढूंढने निकलो। ये दिया है आपको मोदी जी ने। आपको ये एक फैमिली आईडी दे दी, पहचान पत्र जिसमें परिवार के हर सदस्य का नाम, हर सदस्य की आमदनी चाहिए इनको। मैं मिली थी कुछ लोगों से भैया के साथ 2 दिन पहले, वो बता रहे थे कि जब से ये आईडी आया है तब से मुसीबत ही मुसीबत है। सबकी आमदनी जोड़ दी है और कईयों की आमदनी नहीं है, वो उसमें झूठी आमदनी डाल के जोड़ दी और फिर कह दिया कि ना तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है क्योंकि तुम्हारी तो आमदनी बहुत है, या कह दिया कि जो किसान को सुविधाएं मिलती हैं वो तुम्हें मिलेंगी नहीं क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत है। तो इस तरह से आपको गुमराह करने का काम किया है। 10 साल हो गए,